नमस्कार मित्रों, शिक्षा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं जो पीटीटी के थर्ड काउंसलिंग है उसके बारे में। तो इसमें आपके लिए कुछ खबरी है कि जो स्टूडेंट है उन्होंने यदि फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग में यदि उनको कॉलेज अलॉटमेंट हो गया और उन्होंने यदि उसमें रिपोर्टिंग नहीं करवाई या किसी कारणवश नहीं करवा पाए तो वो स्टूडेंट इस काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। उनको वो जो 5,000 रुपये दिए थे रजिस्ट्रेशन के, वो उन्हें पुनः जमा नहीं करवाना, यानी दोबारा जमा नहीं करवाना। ये आज के जो उसमें नोटिफिकेशन जारी हुआ है 5/4/2018 को, इसमें साफ साफ लिख दिया है कि तृतीय विशेष काउंसलिंग में सम्मिलित होने वाले सभी विद्यार्थियों महाविद्यालय के विकल्प को ऑनलाइन भरना अनिवार्य है। ऐसे अभ्यर्थी जो किसी भी कारणवश पूर्व की काउंसलिंग में आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाए थे, ऐसे अभ्यर्थी भी इस तरह की काउंसलिंग में सम्मिलित हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें आप सम्मिलित हो सकते हो, ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसमें आपको मौका जरूर मिलेगा और आप, मैं बताऊंगा अगले वीडियो में कि आप कॉलेज किस प्रकार भरे कि आपका 100% इसमें नंबर आ जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी ये सूचना सही लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।